हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हम इस वीडियो में एम्स एमबीबीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी की बहुत लंबे टाइम से क्वेरी आ रही है जब से आपका पेपर हुआ है कि सर प्लीज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो लाइए और बताइए कि आखिर कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। लेकिन इससे पहले डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो के बाजू में आपको एक रेड कलर का बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में हम जो भी वीडियो लाएं वो आपको मिले सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर एक स्टूडेंट के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आखिर क्या कमेंट किए हैं आप ही लोगों ने, जो बहुत से स्टूडेंट पेपर दे के आए थे, उन सभी का मैंने एनालिसिस किया है। इसके आधार पर आपका एक कट ऑफ बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और मैक्सिमम मार्क्स कैसे देखने को मिले हैं आप वो भी देखेंगे इसमें, और पेपर का लेवल क्या था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, मींस कि पेपर का हार्ड था, मॉडरेट था, इजी था, सब आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा। आप सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। हम यहाँ पर 100% प्रूफ देंगे आपको, स्वयं आपको कमेंट्स दिखाएंगे कि आखिर किस किस टाइप के कमेंट देखने को मिले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें जो कमेंट्स आए हैं उसमें स्टूडेंट ने बोला है कि सर बायोलॉजी तो ज़्यादा टफ नहीं थी, मतलब कि आप बायोलॉजी को इजी पोर्शन में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी इजी आई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इसलिए आप इसको इजी पोर्शन में रख सकते हैं। और कमेंट्स में देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री को आप हार्ड ना रख के मॉडरेट कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था। जी हाँ दोस्तों, और सबसे टफ किसी सब्जेक्ट को बोला जा रहा है तो वो है फिजिक्स, जिसमें बहुत से स्टूडेंट के होश उड़ गए थे, मतलब कि फिजिक्स हार्ड था। जी दोस्तों, फिजिक्स में बहुत ही कम नंबर स्कोर किया है फ्रेंड्स ने। और दोस्तों, अदर जो सब्जेक्ट हैं वो ऐसे ही नॉर्मल, मतलब कि जी के पोर्शन आपका नॉर्मल था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सर्वे, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कट ऑफ। तो डियर फ्रेंड, जैसे हमने कमेंट का रिव्यू किया, उसको एनालिसिस किया, तो हमको क्या देखने में आया, हालांकि फ्रेंड्स ज्यादा कमेंट देखने को नहीं मिले क्योंकि पेपर हुआ था उसके जस्ट बाद लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन कम मात्रा में। अधिकतर सबने एनालिसिस के बारे में बताया है कि ये मॉडरेट आया है, इजी आया है, हार्ड आया है, कमेंट्स बहुत ही कम आए हैं मार्क्स के ऊपर। तो उसी आधार पर जो कट ऑफ बना है फ्रेंड्स, उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यदि आप चाहते हैं इससे भी 100% सिक्योर हो तो आप प्लीज अपनी कमेंट्स यहाँ पर कीजिए, शेयर कीजिए आपके मार्क्स आखिर कितने आपने गेन किए हैं। तो दोस्तों, क्या पाया गया, जो 1 से लेकर 2% स्टूडेंट है उनके मार्क्स, जी हाँ फ्रेंड, मात्र एंड ओनली 1 से 2% स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 140 से 145 तक हैं। एंड बात करें, 8 से 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 130 से 140 तक हैं। एंड ओनली 50% स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनके मार्क्स 90 से लेकर 130 तक पाए गए। एंड लास्ट का जो हमारा 75% बचता है उसमें 85 होगा दोस्तों, 58 हो गया अपोजिट, और इससे नीचे कमेंट्स देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इस आधार पर आपका कट ऑफ किया जाता है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्लाइड ओपन कर ली और आप देख रहे हैं एम्स एमबीबीएस 2019 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले हम दिल्ली का कट ऑफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ हर एक साल लास्ट ईयर में हाई देखा गया है और अभी भी हाई ही जाएगा। तो सबसे पहले हम दिल्ली का कट ऑफ डिस्कशन करेंगे, देन इसके बाद अदर स्टेट का। तो दोस्तों, दिल्ली से यदि आप बिलोंग करते हैं और आप हैं ईयूआर कैटेगरी से, तो फ्रेंड्स यदि आपने स्कोर किया है 130 से 135 तक, मतलब कि 130 से लेकर 135 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इतने आ रहे हैं 100% श्योर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा दिल्ली से, मतलब कि दिल्ली एम्स से है ना, कि दिल्ली से है ना। तो दोस्तों, इसी टाइप से ओबीसी का मार्क्स है, चूंकि ओबीसी और यूआर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता, मात्र
पाँच से छः नंबर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 125 से लेकर 130 तक, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका इतने में अवश्य सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हम यदि आगे बढ़े तो एससी का आता है। एससी कैटेगरी में है यदि आप, तो आपके नंबर यदि 115 से लेकर 120 तक आ रहे हैं, तो आपको भी कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, इतने में आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा अभी तक की कमेंट के आधार पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी जो की है एससी हो गया हमारा, एसटी है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपने एम्स एमबीबीएस की चाह रखते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं 2019 में दिल्ली एम्स में, तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आपके मार्क्स 115 से लेके 120 के बीच आ रहे हैं, तो आपको भी कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, इतने में आपको सीट आराम से मिल जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं। चलिए अब हमारा हो गया दिल्ली का कट ऑफ, अब हम चलते हैं अदर स्टेट पर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अदर स्टेट कट ऑफ पे। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि दिल्ली को छोड़कर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अदर स्टेट से फिर वही बात है कि अदर यानी जो अलग अलग एम्स हैं दिल्ली को छोड़कर, उनका कट ऑफ है ना फ्रेंड्स, आप ये नहीं समझना कि राज्य विशेष से। आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने गेन किए हैं मार्क्स 100 से लेकर 110 तक, तो दोस्तों आपको बता दें, आपको भी बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपका यह एक सेव स्कोर है, आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सीट बड़े आराम से मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो एनालिसिस हुआ है उसमें यूआर कैटेगरी के मार्क्स बहुत ही कम देखे गए हैं। अब हाँ, यदि आप कमेंट करेंगे तो इसके बाद 101% वाला आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, बट बात वही है कि आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि है ओबीसी। तो जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं, ओबीसी और यूआर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहता, मात्र 5 से 10 नंबर का। तो दोस्तों यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट से हैं, यदि आपके मार्क्स 100 से लेकर 105 तक आ रहे हैं, तो आपको भी कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, इतना आपका स्कोर सेव है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस स्कोर में बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आपको सीट मिल सकती है। एंड बात करें दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी जो की है एससी, और एससी से आप बिलोंग करते हैं जी फ्रेंड, तो आपके एससी से लेकर 85 तक होना चाहिए, आपके इतने नंबर रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, इससे कम है तो समझिए कोई चांस नहीं। जी हाँ फ्रेंड, अब बात करें एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी के बाद एसटी है। यदि आप देखेंगे ओबीसी और यूआर, जितना डिफरेंस आपको यहाँ पे देखेगा 5 नंबर का, ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पे डिफरेंस देखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा है एससी और एसटी में 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, बहुत से बहुत। जी हाँ फ्रेंड, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 से 6 नंबर का डिफरेंस दिख जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अदर स्टेट की भी हमने हर एक कैटेगरी देखी। आपको यह वीडियो कैसी लगी है आप अपने कमेंट्स अवश्य करें। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तो हमको कमेंट्स देखना है कि आखिर कमेंट्स किए भी हैं कि नहीं, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो चलिए कमेंट की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आखिर किस टाइप के मार्क्स आए हैं देखने को मिले हैं। यहाँ पर संतोष बेटवाल कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच सर, आपके कारण मैं केमिस्ट्री में 26 सॉल्व कर पाया, माई एक्सपेक्टेड स्कोर इन एम्स 19, केमिस्ट्री 26, बायो 40 एंड फिजिक्स मैंने 30 मार्क्स गेन किए हैं। एंड फ्रेंड नेक्स्ट कमेंट की बात करें, यहाँ पर इनके स्कोर टोटल रहा है 115। इसी प्रकार से बहुत से स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वहाँ का अनुभव बोल रहे हैं। यहाँ पे सुरभि जी पांडे बोलती हैं कि बायो वाज नॉट बेस्ड कम्प्लीटली ऑन एनसीईआरटी इन सेकेंड शिफ्ट। यहाँ पर अंजुल अंसारी बोलती हैं, सर आई एम अटेम्प्ट ओनली 80 क्वेश्चन इन एम्स। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है स्टेपी सारा, सर आई एम अटेम्प्टेड 130 क्वेश्चन बायो इन बट सो इजी दैट नीट जी के बाज आल्सो इजी। इसी प्रकार दोस्तों बहुत से कमेंट हैं, यदि मैं गिन पाऊँ तो बहुत से कमेंट हैं जी। यहाँ पर वर्षा त्रिपाठी ने कमेंट किया है, नाइस सर सेकेंड शिफ्ट के बायो एंड केमिस्ट्री टफ था बहुत,
यहाँ पे फिर नेशनल नेशनल ने किया सर प्लीज 120 मार्क्स हैं हो जाएगा ना प्लीज टेल मी, बहुत से कमेंट्स किए हैं दोस्तों छात्रों ने, हेलो सर बहुत से लोगों ने बोला है। ऋतिक भाई ने बोला है बायोलॉजी भी एनसीईआरटी के बाहर था 6 से 7 क्वेश्चन, यहाँ पर जितिन कट ऑफ कितना जाएगा एडमिशन के लिए, बहुत से कमेंट्स आए हैं जी दोस्तों। मैं इतने ही कमेंट गिनवाऊंगा, यदि इससे ज़्यादा गिनवाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और हमारी वीडियो की लेंथ भी बहुत लॉन्ग पहुंच जाएगी, इसलिए दोस्तों इतने ही कमेंट्स रहने देते हैं, है ना फ्रेंड्स। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स अवश्य करें और हो सके तो आपका स्कोर भी अवश्य बताएं। और जी दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।